press the bell icon so you never miss any video from Momo's Kitchen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. आज मैं वेजिटेबल हेलापीनो पकौड़े बनाना सिखा रही हूँ. इसके लिए मैंने ये 6 डिश के चमचे बेसन के लिए, आधा टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 हरी मिर्चें कटी हुई, आधा टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 से 1.5 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 4 से 5 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पालक, 2 प्याज इनको बारीक काट लिए, 1 छोटा सा छोटे साइज़ का आलू इसको कद्दूकस कर लिए. ये हेलापीनो लिए मैंने, कोई जेलापीनो कहता है कोई हेलापीनो कहता है. ये हेलापीनो लिए मैंने 2 टेबलस्पून नमक मैं देख के डालूँगी, 1 टेबलस्पून ये 1 टीस्पून देखूँगी, और ये पानी चाहिए हमें घोलने के लिए. कुटी मिर्चें डालूँगी, कुटा भुना ज़ीरा, अजवाइन, साबुत धनिया कुटा हुआ, इसका ज़ायका बहुत अच्छा आता है, आधा टीस्पून लहसुन पाउडर, ये हरी मिर्चें 2 कटी हुई, इनको मिक्स कर लूँगी. मिक्स करके नमक डालूँगी, पहले 1 टीस्पून डालूँगी, फिर चेक कर लेंगे. हेलापीनो इसको बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, इस तरीके से भी डाल सकते हैं. ये मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये सारी वेजिटेबल इसमें जाएगी. इनको मिक्स करेंगे. बिस्मिल्लाह. इसको मैं घोलूंगी. ये मैं बेकिंग पाउडर भूल गई थी, आधा टीस्पून मैं ये डालूंगी बेकिंग पाउडर. आप सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर से बहुत अच्छे टेस्ट आता है. अब मैं इसको हाथ धो लिए, मैंने हाथ से घोलूंगी इसको. बिस्मिल्लाह. गाढ़ा गाढ़ा इसको करना है, क्योंकि हमारी सब्जियां ज़्यादा हैं. इसको मैंने अच्छी तरह हाथ से घोल लिए. अब बहुत पानी बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि अपनी सब्जियों का भी, धुली हुई सब्जियां थी उनका भी अपना पानी होता है. ये देखें इस तरीके से, ये इनको अब मैं फ्राई करूँगी. सब्जियां मिलाते ही फ्राई करना है हमने, क्योंकि वरना प्याज पालक सब पानी छोड़ देता है. तेल गरम करने रख दिया था, दरमियानी आंच पे, बिल्कुल दरमियानी आंच पे तलना है हमने, ताकि अंदर तक पक जाए. ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको. ये एक तरफ से लाल हो गए, अब मैं इनको पलटूंगी. बिल्कुल दरमियानी आंच पे हमने तले, ताकि अंदर तक ये पक जाएं, कच्चे ना रहें. इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसे पकौड़े आपने कभी नहीं खाए होंगे हेलापीनो वाले. पकौड़े फ्राई हो गए तकरीबन, बहुत प्यारा खूबसूरत कलर आया गोल्डन. अब मैं इनको निकाल लूँगी, हल्का सी तेज़ आंच करके निकालेंगे. ये निकाल लिए हमने, अब मैं इनको सर्व करके दिखाती हूँ.
ये मैंने निकाल दी हैं, अब मैं इनको सर्व करके दिखाती हूँ। ये हमारे वेजिटेबल हेलापीनो पकौड़े तैयार हैं, इनको ज़रूर आप ट्राई कीजिए। इसको मैं चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए, मेरे घर वालों को दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।